नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत सुनियाल और आप देख रहे हैं पार्टी डेरा चैनल। आज है छोटी दिवाली, तो सबको सबसे पहले छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा आज का ब्लॉग है थोड़ा सा अलग। हम लोग आए हैं आज थोड़ा अपने जंगल की तरफ, जहाँ पे हम लोग आज बनाने वाले हैं, बहुत कुछ बनाने वाले हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या हम बनाने वाले हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज जो भी खाना बनेगा यहाँ पे वो बनेगा लकड़ियों में। लकड़ियों में भी खास तौर पे हमारे पास एक चीज है, आप देख सकते हैं सामने कोयला। ये उसका है, छितले का है, मतलब छितला जा, ये चीड़ का ना, चीड़ का है। हाँ। तो ये अब जब सूख जाते तो गिर जाते हैं। हाँ। तो हमने उसी को लिया है और उसी से हम इसके कोयला बनाएंगे और उसी में हम चिकन रोस्ट करेंगे। अभी मैं मेनेशन करूंगा चिकन, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना यहाँ पे वो कुछ है नहीं। अच्छा, मैं इनके बारे में बता दूं, ये है काकू चाचा, वैसे इनका नाम नीरज रावत है और ये अभी कनाडा में शेफ हैं, अभी छुट्टियों में आए हैं। सो आज जो स्पेशल होने वाला है, एक तो पहाड़ी शेफ, पहाड़ी कम इंटरनेशनल शेफ है ये। सो वो भी देखेंगे क्या क्या बनता है आज। बट क्या है कि अभी चिकन आ रहा है, जैसे आएगा चिकन फिर मेंशन करेंगे। और अभी प्याज की कटिंग भी दिखाएंगे आपको, टमाटर, हर चीज कैसे कैसे क्या होता है। आप जरा वेट करें, ठीक, और उसका लुफ्त उठाएं आप हमारे साथ। ये है मनीष राव, थोड़ा शाही किस्म के आदमी है तो थोड़ा कैमरा से दूर रहते हैं। ये भी बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं वैसे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, देवेंद्र कोठारी, प्यार से हम लोग इनको बामणी भाई कहते हैं तो वो भी आए हुए हैं। इसके अलावा ये चार अलग अलग लोग, धीरज उनियाल भी छुट्टियां लेके इस बार आए हुए हैं। उसके अलावा पवन नेगी को आपने कई बार देखा होगा व्लॉग्स में, प्रकाश उनियाल, जुबा केसरी वाला इनका एक वो फेमस हुआ था। इसके अलावा प्रिंस रावत भी हमारे साथ हैं। एक और टीम हमारी जो यहाँ पे अभी चिकन धो रही है, उनमें है सूरज उनियाल और उसके साथ केशव उनियाल पीछे हैं, जो चिकन धोने का काम कर रहे हैं। और इस टीम के जो टीम लीडर है वो है अजय रावत और ये धोया जा रहा है चिकन एकदम बढ़िया बहते हुए पानी में। और अब आए हैं मनीष उनियाल। मनीष उनियाल लाए हैं एक पतीला अपने साथ में, इसमें बनाए जाएंगे चावल। तो चिकन आ गया हमारा धुल के, ये देखो ये हमारे तंदूरी चिकन है, तो हम इसको पहाड़ी स्टाइल में करेंगे रोस्ट। सारे मसाले डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हम, तो सबसे पहले मैं देखो जो साबुत चिकन लाए हैं मार्केट से खरीद के, तो ये अभी फ्रेश है, तो इसको हम अभी चीरा मार रहे हैं, फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे, ठीक है। फिर आप देखते रहे कैसे कैसे होता है। ये थोड़ा बड़े चिकन है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करने वाले हैं चाचा? तो चिकन हमारा हो गया है, इसमें कट लग गए हैं जो भी हमने कट मारने थे। और सबसे पहले हमने डाला ये मीट मसाला, तो आप ये देख ले, एक मिलता है ये देखो, इसका एक बार दिखा, कैच का, कैच का मीट मसाला, व्यूअर हैं उनको दिखाओ, मीट मसाला है कैच का, ठीक है। और सेकंड थिंग है, दूसरा डालेंगे हम क्या है, कैच का, ये भी कैच का ही है बट ये क्या है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक है। अब कौन पीसेगा, अब इसलिए हमने रेडीमेड ला रखा है, ठीक है। तो ये हम डाल चुके हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें इसकी जो मेन चीज है, हाँ। जो इसमें फ्लेवर लाएगा वो है हमारा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, अच्छा। तो वो डाल के इसका फ्लेवर एकदम पे 100% डबल हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो इसमें फ्लेवर लाता है मस्टर्ड ऑयल, तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे हम। ये देखो, अब इसको बढ़िया से आप मिक्स कर दो इसको ना, हाथों से जितना आप इसको मिक्स करोगे उतना ज़्यादा इसमें फ्लेवर आएगा, अंदर तक मसाले चले जाएंगे और चिकन बढ़िया करके सारे मसाले इसके अंदर फ्लेवर घुस जाएंगे अच्छी तरीके से चिकन के अंदर। ये हमने इसमें डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। तैयारी चल रही है हमारी चिकन करी बनाने की, पहाड़ी स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ये लोग अभी जो
हमारे पास पूरा फुल मुर्गा था, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं। सो अगर आपके पास चाकू ना हो तो उसके लिए एक देसी जुगाड़ धीरज जुनियाल ने निकाला है, इसको कहते हैं पलटा। और ये अब इसी से ही प्याज काट रहे हैं। नजारा है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त। कुछ लोग प्याज टमाटर काट रहे हैं, अभी तो प्याज कट रहे हैं। इसके अलावा एक जगह हमारे रोस्ट वाले चिकन की मैरिनेशन चल रहा है। इसके अलावा जो चिकन करी वाला डिपार्टमेंट है वो अभी चिकन के छोटे छोटे पीसेस बना रहे हैं। अभी लाए हैं बिल्कुल गार्डन से निकाल के ग्रीन रेड चिली। ठीक, तो ये अभी चॉप करके डाल देंगे इसके अंदर, तक ये फ्लेवर आ जाएंगे। इसका भी फ्लेवर है अपनी जगह। और ये आ गया हमारा फ्रेश हरा धनिया, ये डाल रहे फ्रेश धनिया। कलर देखो आप कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत आ रखा है, आप देख सकते हो इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। और इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे अंदर तक। इसके ग्रीन रेड चिल्ली और हरा धनिया जो हमने काटा है वो अपना फ्लेवर देगा। जब ये रोस्ट होगा ना वो अपना एक फ्लेवर देगा। बाबू चाचा यहाँ पे काट रहे हैं टमाटर। मैं जुनियाल बना रहे हैं यहाँ, वहाँ पर सेके जा रहे हैं। लास्ट है हमारा, फाइनल टच है, हमने डाल दिया है लेमन जूस। अभी लाए हैं बिल्कुल पेड़ से तोड़ के, तो क्या फ्लेवर होगा आप समझ ही सकते हो। आज ये हो गया है, ये बना रहे हैं हम मसाला पापड़। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टमाटर चॉप, ग्रीन चिली चॉप, आप देख सकते हो लेमन जूस मैं इसमें डाल चुका हूँ। और ये डाल रहा है इसमें हल्का सा, आप अगर मैगी मसाला है, चाट मसाला ना भी हो गांव में तो आप मैगी मसाला यूज कर सकते हो। तो ये देखो ये मिक्स हो चुका है। और ये हमारे पास रोस्ट पापड़ आ रखे हैं, आप देख ही रहे होंगे डाल चुके हैं हम इसमें। देखो फ्रेश चीज है, अगर कोई अगर जो शौकीन लोग होते हैं वो ऐसा खा सकते हैं इसको। और एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम फ्रेश है हर चीज। तो ये बन चुका है हमारा फाइनल मसाला पापड़। तो ये हमने कम से कम एक घंटा हो गया इसको मैरिनेट करके, तो सारे फ्लेवर इसमें आ चुके हैं जो जो हमने डाला था इसमें। अब इसकी बारी है रोस्ट होने की। तो अब हम क्या करेंगे, सरिया है हमारे पास देसी जुगाड़, ठीक है, तो ये देसी जुगाड़ है हमारे पास। तो अब हम डालेंगे इसमें चिकन। तो देखो कैसा होता है कि पहाड़ों में इतनी वो फैसिलिटी तो है नहीं, तो हमने क्या किया देसी जुगाड़ कर दिया है। तो देखो ये आ गया एक चिकन इसके अंदर, तो 1/2 कर चुके हैं। और देखो एक सरिया में हमने क्या किया, दो चिकन हमारे आ चुके हैं, ठीक है जी। अब हम दूसरा चिकन लगाएंगे, आप देख के रहे और ऐसा आप भी जरूर आप देख के रहे कैसे कैसे हम कर रहे हैं इस चीज को। और आप भी जब कभी आपको टाइम मिले, वैकेशन टाइम मिले, कभी फैमिली के साथ गांव जाते हो तो अगर पॉसिबल है तो जरूर करें ऐसी चीजें, क्योंकि ये चीजें बहुत कम होती हैं मिलने के लिए आज की डेट में। तो अब देख लो मैं भी तो वैकेशन आया हूँ, तो हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लड़कों के साथ में अच्छा लगता है, ये कभी कभी टाइम आते हैं, ऐसा टाइम आता है कभी कभी, तो जरूर एवरीबडी कैन डू। तो ये हमारे देखो सरिया में चिकन लग चुके हैं। अब जाएंगे ये चिकन सीधा रोस्ट होने के लिए, कोयले हमारे तैयार हैं, तो अब जाएंगे सीधा रोस्ट होने के लिए। तो फाइनली हमारे कोयले रेडी हो चुके हैं, एक साइड हमारी चिकन करी तैयार हो रही है। देखो कितना बेहतरीन कलर आ रहा है, प्याजों के साथ बिल्कुल भुना हुआ है। और चिकन भी जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट उसमें डल चुका है। तो सॉल्ट डालने से क्या है कि प्याज पानी छोड़ता है और चिकन भी आपका पानी छोड़ेगा, तो बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा और बढ़िया सा ये रोस्ट हो जाएंगे। और ये हमारा चिकन आ चुका है इसके अंदर रोस्ट होने के लिए। तो आप देखो ये धीरे धीरे धीमी आंच में जितना रोस्ट होगा उतना ज्यादा इसमें फ्लेवर आएगा।
और ये फाइनली हमारा टमाटो चॉप हो चुका है। इसमें देखो ग्रीन चिल्ली भी लड़कों ने चॉप कर चुके हैं, इसमें कोरिंडर की वो भी है, रूट्स भी हैं। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत करते हैं गांव के लड़के। देखो हर कोई अपना 100% देता है, और ना हमारे पास ना चॉपिंग बोर्ड है, ना हमारे पास ऐसी नाइफ है जो इतने फाइन चॉप कर सकते हैं। बट बड़ा बड़ा जो भी काटा है बच्चों ने, बहुत बढ़िया किया है लड़कों ने। तो अब ये जा रहा है चिकन हमारा वहाँ भून रहा है, तो ये जा रहा है उसके पास। देख सकते हैं एक तरफ है हमारा रोस्टेड चिकन और दूसरी तरफ हमारी बन रही चिकन करी, दोनों में बढ़िया कलर, शानदार बनने वाला है ये। और ये हमारा फाइनली जो दो लेग थे हाफ हमने चिकन किया था वो आ चुका है। इसमें थोड़ा टमाटर डालें और चॉप धनिया, और ये लेमन डल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो हर जो भी क्रिकेट का फैन है, एवरीबॉडी जो भी बंदा फैन है, हम यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है इसको, देखो। और यहाँ देखो एक विकेट हो चुका है पाकिस्तान का, और यहाँ पे सारे जो भी है तालियां। सो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया ये रोस्ट हुआ है चिकन, एकदम बढ़िया ढंग से। और ये है हमारा टिपिकल पहाड़ी चिकन जो हम लोग रोस्ट करके बनाते हैं। ये सारी चीजें होते होते एक चीज जो गड़बड़ हुई वो ये हुई कि काकू चाचा की अंगूठी खो गई थी, एक खो गई। और आपने वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने पहनी हुई है हाथ में, एक खो गई थी, और वो एक लड़के ने ढूंढी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किसने ढूंढी है, उसको इनाम दिया जाए। और ये थी वो अंगूठी जो खो गई थी, और अब हम लोगों को फाइनली वो मिल गई है। और काकू चाचा ने, चाचा बताएं, ये एक्चुअली क्या है कि मेरे को जैसे हम चिकन खा रहे थे तो मेरे को याद आया, मैंने देखा तो मेरी इस उंगली की अंगूठी गायब है। हाँ। तो तभी जो हमारे बेटा है इनका नाम केशव है, तो इन्होंने ये ढूंढ के बताई है, और इसके लिए इनको मैं 200 रुपए इनाम दे रहा हूं। अरे क्या बात है, क्या बात है। ट्रेडिशनली ये तलवार तलवार आपको, ये मुर्गा भी इसी का है, केशव का। सो अब चिकन करी तैयार है, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे वो सब हो रही है। नींबू दीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ों में जनरली ये मान्यता होती है, लोग बैठ के खाना खाते हैं, पंगत में बैठ के खाना खाते हैं। तो आप देख सकते हैं सब लोग पंगत में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। सो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट वाली जो मैंने वीडियो ये भोटिया डॉग वाली डाली थी, उस पर जो मेरे को रिस्पांस मिला है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ उससे। सो मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आप लोग हैं जो इस चैनल को बनाने वाले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाली वीडियो पर भी आप ऐसे ही प्यार दिखाएंगे, ऐसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और पहाड़ी डेरा को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे।